विभिन्न संस्थाओं में अच्छे नंबर लाकर उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करने के लिए जिला कलेक्टर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के साथ उनके स्कूल प्रबंधन को भी आमंत्रित किया गया था। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि गुना में निसंदेह अच्छी पढ़ाई हो रही है, जिसको लेकर बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ सम्मान देने की बात पर उन्होंने कहा कि सम्मान तो बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए है, ताकि वह और भी अच्छा काम कर सकें। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले इस बार शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि शासकीय स्कूलों के बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे भविष्य में भी छात्र छात्राओं को जब भी जरूरत होगी उसके लिए उत्साहवर्धन करने की बात भी कही। शिवम भाकर क्या बोल रहे हैं, ये तो बड़ी पुरानी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप 30-35 को होंगे तो आपको याद आएगी वो बात कि अगर मैंने ऐसा मान लिया होता तो हम और अच्छा करते। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें, जिंदगी भर से नाम करें। और एक चीज और नहीं बोलनी है, अपनी जिंदगी चलाना दुनिया का सबसे आसान काम है। कीड़े मकोड़े जानवर पशु पक्षी ये हर सब जिंदा रहते हैं और इसके लिए इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको मनुष्य में आपने जन्म लिया है तो भगवान का ये सौभाग्य है, तो इसका मतलब है आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो ये अभी से इस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले अपने प्रति है, अपने प्रति मतलब वो अच्छा बने, फिर परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है और राष्ट्र के प्रति है। ये जिम्मेदारियों की प्रायोरिटी जरूर है, लेकिन ये प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। अभी आपकी जिम्मेदारी अपने और परिवार के प्रति है। थोड़े बड़े लगाव में गुना के बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था में यहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है प्रदर्शित करता है। बच्चों को सम्मान देने का मतलब सिर्फ ये है कि उनका उत्साहवर्धन हो, उन्होंने जो मेहनत की है उसकी उस पर एक मुहर जिला प्रशासन द्वारा लगाई जा रही है। तो बच्चों का उत्साहवर्धन हो, ज़िंदगी में और अच्छा करें, यही हमारी कामना है और उनकी हर संभव मदद जो हो सकती है वो हम लोग करेंगे आगे। इसमें सर सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार सरकारी स्कूल के रिजल्ट में बच्चों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है सर, तो अपना बेहतर किया है सर। देखिए सरकारी स्कूल आम आदमी का स्कूल होता है और अगर वहाँ से बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया तो इसका मतलब है आम आदमी के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया।